जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामा फिलज है। तो आज हम देखेंगे कि ईबे टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है। ये सिर्फ ईबे टू अमेजोन ही नहीं है, ये अमेजोन टू ईबे भी हो सकती है। ठीक है, अमेजोन टू ईबे ज्यादा लोग करते हैं और ईबे टू अमेजोन बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगा। ये बहुत मजे का टॉपिक है आज का। आपको किस तरह से समझ आएगी, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ है ना, क्राइटेरिया आपके माइंड में होगा। क्या क्राइटेरिया के रेटिंग जो है एटलीस्ट 100+ होनी चाहिए और आपका प्रॉफिट मार्जिन 8% से ज्यादा होना चाहिए, ये बात आप माइंड में बिठा लो। और जो प्राइस है आपकी एटलीस्ट $10 से ज्यादा होनी चाहिए, $10 से ज्यादा आपकी प्राइस होनी चाहिए। अच्छा, अब आप आ जाओ इसके ऊपर, मेन वेबसाइट के ऊपर। आपके पास टूल होना चाहिए कीपा। ठीक है, कीपा का क्या फायदा है? कीपा हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट ईबे पे भी अवेलेबल है और अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है। यहाँ पे आओ आप, जो मैंने फिल्टर आपको बताया हूँ मैं, यहाँ पे फिल्टर चेंज करके हम करेंगे। यहाँ पे हम अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ईबे टू अमेजोन कर रहे हैं, सॉरी, अमेजोन टू ईबे कर रहे हैं, तो अमेजोन हमें हमेशा सस्ता प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो अगर हमें अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है तो हम उसे बाय करके ईबे पे महंगा बेच सकते हैं। ईबे के ऊपर अगर हमें सस्ता मिल गया तो हम उसे अमेजोन के ऊपर बेच सकते हैं। तो इसमें फिल्टर आपको जो भी मैं बताऊंगा वो आप या तो वो फॉलो कर लेना, या तो जितना आप खुद रिसर्च करोगे उतना आप आगे जाओगे। अपनी तरफ से फिल्टर भी आप बनाओ। अब यहाँ पे अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर रहा मैं सिर्फ थर्ड पार्टी को आउट ऑफ स्टॉक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाय बॉक्स ज्यादातर इनके पास होता है और इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इस वजह से मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक कर रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाओ नीचे, यहाँ से कैटेगरी कोई अपनी मर्जी की उठा लो आप। मैं ग्रोसरी को ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं ग्रोसरी को उठा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे, अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ नीचे, जो बाय बॉक्स है अगर एफपीए के पास है, यहाँ पे आप अनक्वालिफाइड नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही है, अब डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यहाँ से निकाल दो। डिजिटल जो ये टूटने फूटने वाले जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इनके ऊपर आपको बहुत कम ही मार्जिन मिलता है। ज्यादातर जो आपको मिलता है मार्जिन वो किचन की आइटम्स के ऊपर, पेट सप्लाइज के ऊपर, ऑफिस प्रोडक्ट्स के ऊपर, ईबे के ऊपर। जो ज्यादातर जो लोग चीजें सेल करते हैं ना, ये बेबीज की आइटम्स सेल करती हैं, या ये कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड इस तरह की आइटम्स ईबे के ऊपर सेल होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपको फायदा देगी। अगर आप ईबे टू अमेजोन कर रहे हो तब भी फायदा है, अगर आप अमेजोन टू ईबे कर रहे हो तब भी फायदा है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप, ये देखो मैं फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे वो सारे आइटम्स दिखा देगा। ये देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ए, ये ए क्या शो कर रहा है मुझे यहाँ पे? ये ए मुझे शो कर रहा है कि ये आइटम अमेजोन पे भी है और ईबे पे भी है। तो आप क्या करो, यहाँ से अमेजोन का भी अलग से ओपन कर लो, इसके ऊपर भी क्लिक कर लो, और नीचे वाला जो ईबे वाला है उसके ऊपर भी आप क्लिक कर लो। अच्छा, तो मैं आपको कह रहा था कि आपने दोनों तरफ आइटम देखनी है। अब मुझे ये अमेजोन के ऊपर भी ये वाली आइटम अवेलेबल है, ये देखें, और ईबे के ऊपर भी अवेलेबल है। अब देखो अमेजोन के ऊपर ये ही आइटम सस्ती बिक रही है और इसके ऊपर ये महंगा बिक रहा है। ठीक है, अब मैं अमेजोन टू ईबे कर सकता हूँ इस आइटम को। इसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स और भी ओपन कर लो आप। ये वाली कर लो और इसी को आप ईबे पे भी देख लो, जहाँ से सस्ती मिले वैसे कर लो आप। अभी पैक ऑफ 12 है अमेजोन पे, 23 का है। ईबे पे देख लो आप, पैक ऑफ 12 34 का बिक रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अमेजोन से लेके ईबे पे सेल कर सकते हो। इसी तरह से आपने मैनुअल हंटिंग भी करनी है। मैनुअल हंटिंग कैसे होगी, आप ईबे पे आ जाओ। यहाँ पे ईबे पे आके आप यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी कैटेगरी उठा लो, कोई भी कैटेगरी जब आप उठाओगे यहाँ से,
अच्छा, ये मैंने आपके सामने डिफरेंट जो है कैटेगरीज ओपन कर ली है, एक वॉचिस की कर ली है। वॉचिस वैसे डिजिटल में आ जाती है, मैंने सेल नहीं करते, ये मैंने रैंडमली आपके सामने ओपन किया। ठीक है, यहाँ से आप जो है आइटम्स को ओपन करो और जाके गूगल भी करो और अमेजोन पे भी करो, मे बी ईबे के अलावा किसी और रिटेलर से आपको मिल जाए। ठीक है, अब ये मैनुअल हंटिंग हम इसे कहते हैं। मैंने कैटेगरी कोई अच्छी सी देख लूँ यहाँ पे, ये वाली ओपन कर लेते हैं हम, यार्ड वाली। इसमें कुछ अच्छे आइटम नजर आ रहे हैं मुझे। आउटडोर इक्विपमेंट में आप चले जाओ, यहाँ पे जब आप जाओगे तो ये देखें। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली जो आइटम है इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ये यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है, यहाँ पे 39 का बिक रहा है। ये इसी का टाइटल कॉपी करके आप अमेजोन पे जाके देख सकते हो इसको। इस तरह से मैनुअल हंटिंग भी करो, लेकिन जो मैंने आपको कीपा वाला बताया है ना, वो बेस्ट है, उसको आप करो। ठीक है, ये अब उसी आइटम को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये आ गया, ये वही आइटम है मेरे ख्याल में। यहाँ पे ये 15th, अच्छी तरह आप जो है ना टाइटल को रीड कर लो और जो आइटम की जो पिक्चर है उसको देख लो। ये ट्रिमर है एज सर्टिफाइड, और ये इलेक्ट्रिक ट्रेंचर नहीं, ये सेम नहीं है। ये यहाँ पे आप फाइंड कर लेना। जब मैंने आपको मेथड जो बताया है, सैम क्लब टू अमेजोन का बताया है, वालमार्ट टू अमेजोन का बताया है, तो वो सारे जो है वो फॉलो करेंगे। आपने वही वाली टेक्निक अप्लाई करनी है। बाकी जो मैंने ये आपको एक्सटेंशन बताई थी ना प्राइस ब्लिंक वाली, वो भी आप इंस्टॉल कर लो। प्राइस ब्लिंक वाली, प्राइस ब्लिंक कूपन जिसका नाम है, ये आप इंस्टॉल कर लो। जब आप ईबे पे जाओगे तो आपको बता देगा कि ये वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है या अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ये एक्सटेंशन आपको बता देगी। ठीक है, अभी ये मैं इंस्टॉल करके आपको करके दिखाता हूँ। तो इसी तरह से कीपा को यूज करते हुए आपने हंटिंग करनी है और मैनुअल हंटिंग भी आपने करनी है। अमेजोन टू ईबे पे ऊपर, ईबे के ऊपर आप सर्च करो। अब मैं अमेजोन पे आया हूँ, यहाँ पे बेस्ट सेलर में ही जाऊंगा मैं। बेस्ट सेलर में जाके मूवर एंड शेकर पे आ जाऊंगा। यहाँ से मैं अपनी कोई भी कैटेगरी उठा लूंगा, जैसे कि होम मेड प्रोडक्ट्स उठा लेता हूँ मैं। यहाँ से आप टाइटल उठा के वहां पे जाके सर्च करो, क्या पता वहां से सस्ता मिल जाए आपको, क्या पता अमेजोन पे आपको आपको सस्ता मिल जाए प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन आप ये इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उसके साथ एटलीस्ट कोई 4 से 5 FPM सेलर होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये वाली आइटम, इसके साथ मुझे मे बी सेलर कोई मिल जाए, नहीं नजर आ रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे आपको सेलर जो है, ये एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है ना, ये आपको बता रही होगी कि कितने सेलर इसके साथ बैठे हैं। 1 FPA सेलर, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वन बाय वन ओपन करो, टाइटल उठाओ, टाइटल उठा के जाके वहां पे सर्च करो, लेकिन देख लेना वहां पे और भी सेलर बैठे हों जो मैंने आपको बताया हुआ है। 1 FPA सेलर, अच्छा ये जो कैटेगरी है इसमें मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से कैटेगरी चेंज करता हूँ, ग्रोसरी में आ जाता हूँ मैं। ग्रोसरी के आइटम्स में आके यहाँ पे देखता हूँ जो एक्सटेंशन है ये बता देगी मुझे। अच्छा ये वाली ओपन कर लेते हैं, सोल्ड बाय अमेजोन है। इसके साथ दो सेलर बैठे हुए हैं, हम कोई ऐसी आइटम देखते हैं जिसके साथ 5 से 10 सेलर बैठे हों। ये भी ओपन कर लेते हैं, ये भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये जो है सप्रेस लिस्टिंग है, सप्रेस लिस्टिंग का आपको पता है, सप्रेस लिस्टिंग वो होती है जिसके ऊपर बाय बॉक्स अवेलेबल नहीं होता। अब ये 39 का बिक रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ, इसके साथ मीटू कर सकता हूँ मैं किस आइटम के साथ। अब इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ईबे के ऊपर, ये कितने का बिक रहा है ईबे के ऊपर। जब मैंने इसको सर्च किया तो क्या पता मुझे, ये देखो ये वही वाली आइटम मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे मिल गई है। ये वेटा की है, एक मिनट, तो मैंने बहुत सारे टैब्स ओपन किए हुए। तो ये गोल्ड फिश 30 ओज का 2 काउंट पैक है। ठीक है, इसको
दोबारा सर्च करता हूँ मैं ईबे के ऊपर। ये गोल्ड फिश मिल रहा है मुझे यहाँ पे 30 ओज, और इसको ओपन करके देख लूंगा मैं। अगर ये पैक ऑफ टू हुआ तो यहाँ पर मैं इसको मे टू कर सकता हूँ, ठीक है, अगर ये आइटम मुझे यहाँ पे सस्ता मिल रहा होगा तो। जी बिल्कुल, अब वहाँ पे मुझे 24 का मिल रहा है, यहाँ पे 39 का, ठीक है, तो मैं ईबे से लेके यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही मेथड है, आप अमेजोन टू ईबे करो और ईबे टू अमेजोन करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अमेजोन टू ईबे करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, 100 में से 90% लोग अमेजोन टू ईबे करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड था, एक ट्रिक थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, ठीक है। बाकी आप कीपा पे आओ, यहाँ पे ग्रोसरी की आइटम या डिफरेंट फिल्टर आप लगाओ, ठीक है। आप जो है पुरानी वीडियोस को देखो जो मैंने आपको हंटिंग सिखाई थी, उसमें मैंने आपको 3 से 4 फिल्टर बताए थे, वो आप यूज करो। उनको यूज करते हुए आप प्रोडक्ट्स फाइंड करो अमेजोन टू ईबे। ईबे का भी आप अकाउंट बना सकते हो, ईबे के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। जरूरी नहीं कि अमेजोन के ऊपर ही करो, अमेजोन से बाय करो, ईबे के ऊपर सेल करो, और ईबे का अकाउंट भी जो है वो सेफ रहता है, और वो आपसे इनवाइसेस तब मांगते हैं ईबे का अकाउंट जब आप लेट शिपमेंट करते हो, या आप एक दिन में एक ही प्रोडक्ट के कोई 150-200 ऑर्डर लगाते हो, या आप जो है कस्टमर के साथ जो है सही तरह से बिहेव नहीं करते, ठीक है। तब जो है ईबे एक बार आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, फिर वहां पे नो चांस कि आपका अकाउंट ओपन होगा। ईबे की जो सस्पेंशन केस की जो पॉलिसी है अमेजोन से सख्त है। अमेजोन तो अकाउंट सस्पेंड हुआ हुआ रिएक्टिवेट कर देता है, ईबे नहीं करता। ईबे बस देखता रहता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, जब आपकी वायलेशन वहां पे एक बार पकड़ी जाए तो फिर वो अकाउंट आपका रिइंस्टेट नहीं होता। लेकिन ईबे के ऊपर बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वॉलमार्ट से लेके ईबे का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब कोर्स एंड हो जाएगा तब, ठीक है। बाकी अगर किसी का दुबई मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, या किसी का और कोई क्वेश्चन है, या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, अमेजोन टू ईबे कैसे करनी है, ईबे टू अमेजोन कैसे करनी है। ये एक फिल्टर मैंने बता दिया, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी कि आप पहले जाके ईबे पे देखो फिर आप अमेजोन पे आओ, यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर एक प्रोडक्ट ईबे पे है तो दूसरी अमेजोन पे है, अमेजोन पे है तो ईबे पे है। इनको यूज करो, इन्हीं फिल्टर्स को, और कीपा को आप रखो अपने पास, कीपा के थ्रू हंटिंग करो, बिल्कुल सेफ। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो ऐसी नहीं पड़ी हुई जिसमें आपको ये ट्रिक बताई गई हो, सारी आप छान के देख लो ईबे टू अमेजोन के लिए। वो आपको एक्सटेंशंस बताएंगे, ये इंस्टॉल कर लो, ये इंस्टॉल कर लो, लेकिन ये ट्रिक कोई भी गोरा नहीं बता रहा वहां पे। अच्छा, बाकी ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लो, ठीक है।